हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारे घर में क्या बनेगा आप लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं। आप लोग देखिएगा और बोलिएगा कि क्या है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और कितना बड़ा है, वीडियो में छोटा दिखेगा लेकिन बहुत बड़ा है। लगभग ना तो 15 किलो हो जाता ना, 15 किलो हो जाएगा लगभग। तो ये देखिए, हमारे घर आज बनेगा कटहल, कटहल का पकौड़ी। ये देखिए कितना बड़ा है एकदम। अब इसको भी काटेंगे और इसको पकौड़ी बनाएंगे। हम नाम बोल दिए, सॉरी बोल गए। तो ठीक है, आप लोग को जिसको इसको कटहल खाना है आप लोग हमारे घर आ जाइएगा। और आप लोग को वीडियो में आगे में भी दिखाएंगे कि ये कैसा है, इसका कवा निकलेगा सर। ये देखिए कितना बड़ा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चाचा जी इसको काट रहे हैं टंगली से। इसलिए कट भी नहीं रहा, कितना बड़ा है। इसका कवा कैसे आएगा पता नहीं, बहुत बड़ा है ना तो काटने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये देखिए कट चुके हैं कटहल। तो फ्रेंड्स देखिए, कटहल कट चुके हैं। अब इसका बनाएंगे, इसको छीलेंगे अच्छा से, इसका क्या निकालेंगे, कौवा ना इस तरह का। देखिए ये निकाल निकाल के रखे हैं, इस तरह का सब निकालेंगे इसका। देखिए इतना सारा हुआ, काट करके काट देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम कटहल काट के उसको छील रहे थे तब हम वीडियो में नहीं दिखाएं, क्योंकि हम खुद ही छील रहे थे, वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था तो दिखा नहीं पाए तब। तो कटहल से मक्खन देखिए हम निकाल चुके हैं। और ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है, इसमें इसको टुकड़ा कर दिए हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा बड़ा इसमें मक्खन निकला है। और देखिए कितना ही मोटा मोटा है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। कैसे रुआ से नहीं अच्छा लगेगा। और इसका हम पकौड़ी भी बनाने का स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। और ये देखिए इतना सारा पकौड़ी भी बना लिए हैं फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। और हम लोग टेस्ट करके भी देखें, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो जिसको जिसको खाना है आप तो हमारे घर आ जाइएगा, खिलाएंगे कटहल का पकौड़ी। और आप लोग इस कटहल को, और हम लोग इसको मक्खन बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं वो हमारे वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप सब। और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, लेकिन हम बना करके जरूर खा के देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए इधर बारिश भी चालू हो गया है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब कोई होता था कि कटहल खाने से मतलब अच्छा नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करता था गर्मी से, लेकिन अभी तो बारिश का मौसम है ना तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में, इसलिए हम लोग बारिश का मौसम में कटहल बना रहे हैं। ठंडा ठंडा का मतलब गर्म गर्म पकौड़ी खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सब भी रहिए हमारे साथ खाइएगा, और हम लोग भी पकौड़ी और बारिश का मज़ा लेंगे और पकौड़ी खाएंगे। बाय, खूब इंजॉय करेंगे मतलब। मेरा कपड़वा सब भी मिल जा रही, आई गर्दा पानी आ रहा है देखिए। हटाइए